इस वक्त आजमगढ़ से बड़ी खबर। पवई थाना क्षेत्र के ओरिल के लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग, लेकिन उससे पहले कुछ पुरानी बातें हम आपको याद दिला दें। आजमगढ़ में पुलिस सक्रियता तब देखने को मिली जब जनपद के पवई थाना क्षेत्र के मित्तुपुर और दीनानगंज थाना क्षेत्र में अवैध शराबों से कई लोगों की मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया। जनपद में सुशासन तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन आम जनमानस को कहीं किसी बात की तकलीफ ना हो और ना किसी का कहीं से शोषण हो, इसके लिए मीडिया ने हर तरफ चौकस बढ़ा दी। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जी हाँ, जनपद के पवई थाना क्षेत्र के दबदबा ओरिल का यह मामला 20 तारीख दिन बृहस्पतिवार समय लगभग शाम के 5 बजे पुलिस का गांव में छापा पड़ा, जिसमें बताया गया कि छापे में थाने की पुलिस ना होकर यह सोजी टीम द्वारा यह छापा किया गया। यहां तक मामला सब ठीक रहा। यह छापे देसी शराब के सरकारी ठेकेदार के घर व आसपास के घरों में हुआ। मामला सब कुछ सही था, लेकिन छापे के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि छापे में जो पुलिस आए हुए थे उन्होंने घर की तलाशी ली और नकदी सहित टार्च, चार्जर और खड़ी बोलेरो जो कि किसी लगन में जा रही थी उसे भी अपने साथ लेकर चले गए, जिसकी शिकायत पीड़ित कोमल यादव ने पत्र के माध्यम से आला अधिकारियों को दिया है, जिसमें कोमल यादव स्वर्गीय रामकुमार यादव राजनीतिक व्यक्ति बताए जा रहे हैं, जो प्रधानी और जिला पंचायत सदस्य में दो बार अपने दावेदारी दिखा चुके हैं। बताया जा रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था के कारण एक बार इनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया था, उसी के आधार पर पुलिस बार बार छापेमारी कर रही है। छापामारी रात बिरात चाहे जब हो जाता है, इससे गांव वाले पूरा परेशान हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर हम में से कोई दोषी है तो हम सभी को कठोर कार्रवाई के तहत सजा दिया जाए, अगर हम दोषी नहीं हैं तो इस चीज का जांच कर हमें और परेशान ना किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब से हम लोगों का कोई संबंध नहीं है, फिर इस तरीके से परेशान करना भी गलत है, और ग्रामीणों ने दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, साथ में प्रशासन से इंसाफ के लिए गुहार भी लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट आजमगढ़ से। हमारा नाम सीमा। क्या घटना घटी थी? घटना सर यही घटी थी, हमारे घर वो लोग आए। कौन है? यशोजी वाले जी। तो जो है कि हम लोग दरवाजा बंद करके अंदर थे जी। तो जबरदस्ती दरवाजा खुलवाए, उसके बाद हमारे पति को पूछे, हमारे पति बारात गए थे, घर पर नहीं थे। उसके बाद वो लोग हमारे घर में घुसकर एक चार्जर दो टार्च था, सरकारी दुकान का 9,450 रुपये था, सब उठा ले। सरकारी दुकान ये दारू का है हमारे जेब के नाम से। हाँ, नहीं देसी का है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उसको उठा कर लेकर चले गए, और फिर जो है पूछे कि आपकी गाड़ी कहाँ है, तो हम बताए कि गाड़ी हमारे जो है ड्राइवर लेकर गए हैं लगन में। वो लोग ड्राइवर घर जाकर जबरदस्ती गाड़ी का लॉक तोड़ करके गाड़ी हमारी लेकर चले गए। FIR किए हैं, वही एप्लीकेशन मतलब दिया गया। हाँ, और एक रजिस्ट्री भी किए हैं। यही हम बाहर ही अब मतलब दूसरे से करवाए थे, इलाहाबाद और लखनऊ किए। नहीं, हमारे जैसे बहन के लड़का थे वही गए थे। नहीं, हम लोगों से कोई संबंध नहीं, मतलब जो है लाइसेंस के बल चलता है, गलत ढंग से हम लोगों को फंसाया जा रहा है। आप क्या करते हैं? इनके यहाँ नौकरी करते हैं सर। क्या काम, नौकरी में क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं? हाँ, गाड़ी भी चलाते हैं, दुकान का भी काम मतलब करते हैं। कल की जो घटना हुई थी, हाँ जी, उसमें क्या हुआ? उसमें हम विदाई के लिए अपने घर गाड़ी खड़ी किए थे, वहाँ से अगर गाड़ी उठा के ले गए। कौन ले गए? जो आए थे यहाँ एसटीएफ वाले। एसटीएफ वाले थे कि पवई थाने के थे? नहीं, पवई थाने के नहीं थे सर।
बाहरी फोर्स थी, हम देखे नहीं उनको। अच्छा, तो क्या कहे ले जाते समय क्या बोले? हम मौके पे घर थे नहीं, हम जिसके यहाँ विदाई थी वहाँ गए थे उनके देखने के लिए कि तैयार है कि नहीं है, फिर इसके बाद गाड़ी लगाते। अच्छा। वो आए देखे, गाड़ी यहाँ से चली गई थी। आपके पास अपनी चाबी हमारे पास है, कागज हमारे पास था। गाड़ी नंबर बताइए। गाड़ी नंबर 6007 UP50 6007 6007 सही है ना? हाँ जी। हम लोग ड्राइवर हैं, हम लोग गाड़ी दोगा में लेके जाने के लिए खड़े थे वहाँ पे, तो हम लोग दो ड्राइवर थे वहाँ पे, तो ए बस्ती में, हरिजन बस्ती में, वहाँ से दोगा था। आपका नाम क्या? मेरा नाम अरुण यादव है, दबदबा, तो हम लोग वहाँ आजमगढ़ के। तो बताइए क्या मामला है? मामला हम लोग कुछ मालूम नहीं था, हम लोग दोंगा में जाने के लिए वहाँ पे गाड़ी लेके खड़े थे अपने, तो दो गाड़ी हम लोग की थी, ये गाड़ी दूसरे जहाँ थी, तो हम लोग रास्ते में खड़े, तो गाड़ी वहाँ से जा रही थी, तो ड्राइवर पूछे कौन लेके गाड़ी जा रहा है, बोला हमको नहीं मालूम। उसके बाद घर पे आके पता चला तो कोई पुलिस वाला आया, गाड़ी लेके चला गया, यही हम लोग इतना मालूम है। घर से खड़ी थी गाड़ी? जी हाँ, घर पे गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी। मेरा गाड़ी नंबर मीना। जोर से बोला मीना। तो कब क्या घटना घटी थी आपके साथ? साहब हमारे घर में आए थे, तलाशी लिए थे। हम आए थे शाम को। शाम को आए थे? हाँ साहब। किस शाम को? 5 बजे। कौन सा दिन? दिन तो भारी तो गड़बड़ा जी, साफ साफ बात। हाँ, ये बताइएगा कि उस समय जब आए थे उनके साथ कोई लेडीज पुलिस थी? नहीं सर। आपके घर में कौन सा था? हम अकेले थे। आप अकेले थे? हमारे आदमी नहीं थे। अच्छा अच्छा, तो उस समय वो घर के अंदर गए हैं सब लोग? हाँ सर, घर के अंदर इस तरफ देख रहे थे वो। तो हम कहे कि हम अकेले हैं, हमारे कोई पास आदमी उदमी नहीं है, हमारे घर में साहब तलाशी ले रहे हो। कहे नहीं, तलाशी नहीं ले रहे हैं, खाली देख रहे हैं, खोज रहे हैं। अच्छा। तो क्या खोज रहे थे? दारू साहब खोज रहे थे। हम कहे साहब हमारे घर में कुछ ना, हम अकेले हैं, यहाँ दारू वारू नहीं बिकता। तो क्या 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 ढूंढे थे? किस जगह गए थे? घर के अंदर गए थे कि बाहर में थे? हाँ साहब, घर के अंदर, इस घर में हले थे। घर के अंदर हले थे? हाँ। तो पेटी खोले थे क्या? कुछ लिखे पेटी साहब नहीं खोले थे, बल्कि अंदर कुल भूसा उसा दाना वाना रखा था। हाँ। उसमें कुल देख रहे थे, मतलब कि बिना लेडीज पुलिस के घर के अंदर भी? हाँ साहब, और कोई हमारे घर में, खाली हमारा अंधी महतारी थी और हम अकेले, हमारे झिनझिन बच्चे थे बस। श्रीमान जी, हम लोगों को फंसाया जा रहा है। नाम क्या है? हमारा नाम महानंद है जी। हम लोग 6 भाई हैं जी। और ठीका हमारे पास है, कोमल जो है कि महा प्रधानी लड़ते थे, प्रधानी भी लड़ते थे, लोग रंजिश में एक बार ऐसे किए थे जी। तो सरकारी ठीका मिल गया, अब उस पर रहते हैं, लेकिन रंजिश के मारा वो फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि इलेक्शन ना लड़ें और इनका टेंट जो टेंटर ना निकले जी। ये ना उसमें जाएं, दबाने के लिए कोशिश करते हैं। इंग्लिश का है कि देसी? देसी का है जी। और ऐसी ऐसी है, ये लोग सोचते हैं कि ना लड़ पाएं। ये गांव के नहीं लोग हैं, नाम नहीं जानते हैं, जानते तो उनसे पूछते जी। तो फिर उससे क्या समस्या हो रही? समस्या ये हो रही है कि जो पुलिस आती है हम लोगों को दिक्कत करती है, मारती है, गरियाती है, पैसा निकाल लेती है। और पैसा निकाल लेती है? हमारे जेब से तो 9,000 निकला था, एक टार्च मुड़वारी रखे थे वो ले गए। वो टार्च कैसा था? बाहरी था? बाहरी टार्च था, एक मुसलमान भाई आया था वही दिया था, वो भी ले गए। तो अभी आप क्या पुलिस से चाहते हैं? पुलिस से हम न्याय चाहते हैं, हमको सुरक्षित रहने दें। अगर हम कोई अन्याय करें तो उस पर कार्रवाई करें, हम लोग अन्याय करते नहीं हैं। पुलिस आने से गांव में अभी भय है लोगों के अंदर? लोगों को बहुत भय है, अगल बगल के लोग घर छोड़ के दूर रहते हैं। कब आएगी रात में? रात में आ जाती है, औरतों को भी दिक्कत होती है, वो लोग घर छोड़ करके दूसरे के घर चले जाते हैं, इतना परेशान कर रखी है। चलिए ठीक है, तो आपको न्याय चाहिए? हम लोगों को न्याय चाहिए, चाहे जहाँ से चाहिए, आप लोगों से चाहिए, किसी से चाहिए, न्याय चाहिए। ये बताइएगा, इसकी शिकायत आपने किसी बड़े अधिकारी से की है? इसकी शिकायत की गई है अथुआ में, लेकिन हम बीमार हैं, पेचिस पड़ रही थी, हम उठ नहीं पा रहे थे, तो हमें थोड़ा दिक्कत थी। चलिए।